मुंह के बल नहीं भाई, टांगे ऊपर चढ़ ले। दो बार तो चुका हूँ मैं गिर, अभी तीसरी बार मत गिर जाऊं। फ्रेंच की सेट। अरे तो -35-40 तक रहता है, क्या ठंडा गर्मी है। इसका मेन भोजन क्या है? भोजन तो यही है। तो भाई अंदर अभी पहुंच चुके हैं कुफरी के मेन पॉइंट पे। स्नो का कोई नामो निशान नहीं है, उम्मीद करो स्नो पड़ जाए और थोड़ा सा पैसा वसूल हो यहाँ पे जो छोटा छोटा दिया है। एक तो यार इन्होंने रास्ते में दो दो बार चूतिया पर काटो है, पहले 10 रुपये की पहले एंट्री दो और 10 रुपये फिर बाद में एंट्री दो, अगर एंट्री नहीं दोगे तो आपको जुर्माना पड़ेगा। क्या यार बकचोदी यहाँ पे। ठीक है ये पैसे बहुत कमा रहे हैं यहाँ पे लोग। तो गाइज यहाँ पे लो अपनी फोटोज, अलग अलग पोज, कोई बन जाओ बाबा कोई बनो शक्तिमान। बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे आप अपनी स्नैप्स ले सकते हैं। ओह पैर भी यार काफ़ी तिलकते हैं यहाँ पे, तो बच के थोड़ा सा। हाँ अभी यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा, पैर थोड़े से खुबे ना, बस जमी हुई है, पैर खुबते नहीं है यार, खुबे तो काफ़ी मज़ा आए। एक तो यार जहाँ पे पैर अच्छे से जाने का मज़ा आएगा वहाँ पे तारे लगाई हुई हैं, कोई जा ना पाए। इतना पैसा ले लिया अभी फिर भी यहाँ पे जाने नहीं देते, क्या यार। अल्लाह फुल पैसा वसूल भाई, फुल पैसा। शिमला में स्नो पड़ रही है, कुफरी में भी फुल स्नो पड़ रही है, हालांकि वेदर दिखा रहा था कल का, लेकिन उम्मीद नहीं थी आज देखने को मिलेगी, तो फाइनली आज देखने को मिल गई। तो ये है भाई स्नो का नज़ारा, फर्स्ट टाइम देखा हूँ, वाकई बहुत अच्छा लगा यार। थोड़ी सी राइडिंग की खुद ही ऐसे बनाई हुई बर्फ जो जमी हुई है वहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और स्नो का तो काफ़ी मज़ा, इसलिए अपना प्लान ऐसे ही बनाए कि आपको स्नो तो देखने को ही मिले, क्योंकि स्नो का अलग मज़ा है। और जब स्नो आती है ना बीच बीच में, जब लोग यहाँ पे चीखे मारते हैं ना, उसका और भी अलग मज़ा है, खूबसूरत नज़ारा है यार। इससे अच्छा नज़ारा मसूरी में भी नहीं देखा होगा बाकी यार, बहुत अच्छा। तो ये है भाई कुफरी का माहौल, स्नो में काफ़ी बर्फ जमी और आप यहाँ पे मज़े करेंगे, बैठ के खाएंगे, एक अलग फील है, इसका मज़ा लीजिए यहाँ पे आइए। फन एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, बाइक करने के लिए काफ़ी चीज़ें, लेकिन इन सभी चीज़ों का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो फोटोज आपकी अच्छी आएगी तो मैं भी अभी 2-3 फ़ोटो लेता हूँ। आगे सिर आगे करियो, जाली पे सिर करियो, सिर चाली पे कर, पूरा चाली पे कर, जा तेरे, ओ कर भाई, करोड़ों साल का एक्सपीरियंस है जानवरों के साथ मेरा, है ना। मैं अभी जब से पाऊं से यार, मैं इधर से आगे बुला आया तो ओके है ना। फ्रेंच की सेट। यहाँ पर आप
फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ एडवेंचर यहाँ पे एक्टिविटीज हैं वो आप कर सकते हैं। तो सूट का मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे प्राइसेस आपको पर मेंबर का मिलेगा 1200, जिसमें आपके बूट होंगे और आपकी जैकेट वगैरह फुल कवर करने के लिए कपड़े मिल जाएंगे। तो वहाँ से ही आपको टिकट मिलेगा यहाँ का लिए। मनाली का पड़ जाता है सर 1500-1600 रुपए 3-4 दिन का। कितने घंटे यहाँ से लगते हैं? 8-9 घंटे सर, पूरा दिन मान के चलो, सुबह जाएंगे शाम को पहुँचेंगे। जाने जाने के 4 घंटे होंगे ना? नहीं 8 घंटे, 8 घंटे लग जाते हैं कम से कम, क्योंकि रास्ते में घूमते हुए जाएगा ना सर। कुल्लू है, मंडी है, सुंदरनगर लेक है, पटोक डेम, ये पूरा घूमते घूमते शाम को मनाली स्टे। अगले दिन वापस आना पड़ेगा कि शाम को? नहीं, अगले दिन वहाँ स्नो पॉइंट वगैरह जो है आके वो घुमा के वहीं से बस मिल जाएगी जहाँ भी जाना होगा।